नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विद पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप इसे पहली वाली एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से 2.4 एक्सरसाइज भी एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का हमें दोस्तों गुणनफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंदर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी इन सभी को गुणा करके आपको इनका आंसर है वो बताना है। लेकिन यहाँ पे सर्व समीका की सहायता से आपको ये क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। आप दोस्तों इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो आपको इसके नंबर है वो नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे सर्व समीका का उपयोग है वो करना होगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग में आपको सर्व समीका भी बताते हुए चलूंगा, यानी जिस क्वेश्चन में भी जो सर्व समीका यूज होगी मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट दिया गया है x प्लस 4 एक्स प्लस 10, और इसको हमें क्या करना है, गुणा करके गुणनफल ज्ञात करना है, वो भी किसकी सहायता से, सर्व समीका की सहायता से। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर जो सर्व समीका अपनी यूज होगी वो मैं लिख देता हूं। तो दोस्तों एक सर्व समीका होती है आपकी x प्लस ए, अगर आपको x प्लस ए दिया हो और x प्लस बी दिया हो, इसको दोस्तों हम किस प्रकार लिख सकते हैं सर्व समीका की सहायता से, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स, ठीक है, प्लस ए बी। यानी दोस्तों अगर आपको दिया जाए ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसका गुणा हो रहा है एक्स ए प्लस गुणा ए बी। ठीक है, ये दोस्तों हमें ये फॉर्मेट दिया गया, यहाँ पे x की जगह x है, a की जगह में 4 दिया गया, यहाँ पे भी x की जगह x है और b की जगह में 4 दिया गया। ये b है दोस्तों वो माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का, या जिस प्रकार b दिया गया यहाँ पे b है वो माइनस का वो भी हो सकता है। यहाँ पे सिंबल और प्लस का होगा वो किस प्रकार होगा हम सेकेंड क्वेश्चन में देख लेंगे, पहले से हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, यानी यहाँ पे एक्स है तो एक्स के बराबर हमें क्या दिया गया है, एक्स के बराबर दोस्तों हमें एक्स ही दिया गया। फिर दोस्तों आगे a है, a के बराबर हमें कितना दिया गया, a के बराबर हमें 4 दिया गया, हमने 4 रख लिया। फिर x के बराबर तो x हो गया आपका। फिर दोस्तों हमें b के बराबर कितना दिया गया, 10 दिया गया। इनके हम चिन्ह सहित लिखेंगे, ये सभी के सभी आपके प्लस में है, तो यानी इसके आगे हम प्लस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू रख देनी है। किस प्रकार रखेंगे हम, x की जगह दोस्तों हमें x रखना है, तो यानी x की स्क्वायर हो जाएगी, फिर प्लस का सिंबल हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें दिया गया है a प्लस b, यानी a का मान रखेंगे फिर प्लस फिर b। a का मान दोस्तों हमें 4 दिया गया, हमने 4 रख दिया, प्लस b का मान हमें 10 दिया गया, हमने 10 रख दिया। x की जगह दोस्तों यहाँ पे क्या है, x ही है। x की जगह दोस्तों यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 5, 10, 20, 30, y, z कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो समान होगी दोनों में, x का मान है दोनों में समान होगा। तो यहाँ पे समान क्या है, यहाँ पे भी x का मान x ही है और यहाँ पे भी x का मान है x भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये x हो गया, फिर हमें प्लस दिया गया, फिर a का गुणा b से होगा, a हमारा 4 है, b 10 है, तो यानी 4 गुणा 10 होगा। इसको दोस्तों आगे हम किस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा दोस्तों 10 से, 4 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 14, 14 का गुणा x से होगा तो ये आपका 14x हो जाएगा, प्लस हमें दिया गया 4 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो मान है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम x प्लस 4 एक्स प्लस 10 इन दोनों को गुणा करेंगे ना, जो हमें मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, मान मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। इसको हमने किया किस प्रकार है, दोस्तों हमने यहाँ पे एक सर्व समीका का यूज किया है, वो सर्व समीका अपने क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा हो रहा है x से और प्लस ए गुणा बी, ठीक है। यानी कि अगर हमें इस प्रकार की कोई मान दिया जाए तो हमको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो भी अच्छी बात है, बाकी हम और क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ में आपको वो और समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसके बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में भी दोस्तों अपनी यही सर्व समीका लागू होगी, ठीक है।
आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें माइनस दिया गया है लेकिन इस सर्व समीकरण के अंदर तो प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों आप एक बात बताइए कि जब हम माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तब हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो यानी कि जो बी का मान है वो क्या होगा दोस्तों आपका माइनस का होगा। तो यानी सिंबल है वो तो यहाँ पे किसका है, प्लस का। यानी ये मान है वो इस प्रकार है, एक्स प्लस बी है दोस्तों वो कितना है, माइनस का दस है। ये माइनस का गुणा प्लस से होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का दस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी अपनी यही सर्व समीकरण है वो लागू होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। यह सर्व समीकरण आपको इसके नीचे लिख लेनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका कंपेरिजन करेंगे। यानी एक्स की जगह हमें क्या दिया गया, यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स ही है। ए की जगह दोस्तों हमें क्या दिया गया है, आठ दिया गया है। बी की जगह दोस्तों हमें क्या दिया गया, माइनस का दस दिया गया है। बी की जगह हमें कितना दिया गया, माइनस का दस दिया गया। अब हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण के अंदर इसका मान रख देंगे। यानी सबसे पहले हमें दिया गया एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें दिया गया प्लस, ठीक है। फिर दोस्तों हम एक की वैल्यू रखते हैं, ए कितना है आठ है, बी कितना है माइनस का दस है। ठीक है, तो यानी कि हमने रख दिया ए तो अपना है आठ है, ठीक है, प्लस बी दोस्तों कितना है आपका, माइनस का दस है। ठीक है, बी क्या है दोस्तों आपका, माइनस का दस है। ये ब्रैकेट है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि अंदर एक छोटा ब्रैकेट आ चुका है। इसके बाद में दोस्तों एक्स का गुणा होगा, यानी एक्स का एक्स है प्लस ए बी, ए दोस्तों आठ है, बी कितना है माइनस दस है। ठीक है, यानी दोस्तों हमने क्या किया है कि जो अपने एक्स ए और बी का जो हमारे पास मान है वो हमने इस फॉर्मूले के अंदर रख दिया है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस, दोस्तों ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो यानी आठ तो प्लस का है, दस है माइनस का है, तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का दो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा किससे हो रहा है, एक्स से हो रहा है। आगे दोस्तों हमें दिया गया आठ तो किसका है, प्लस का है, दस किसका, माइनस का, ये दोनों गुणा हो रहे हैं। पहले दोस्तों प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस आएगा, आठ का गुणा दस होगा तो ये माइनस का अस्सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस बना लेंगे तो यानी माइनस का दो एक्स हो जाएगा। ठीक, आठ का गुणा दस होगा तो ये दोस्तों कितना आ चुका है अपना, माइनस का अस्सी आ चुका है। जो अपना मान है वही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी जब हम एक्स प्लस आठ है, एक्स माइनस दस है, इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो हमें मान मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस अस्सी दोस्तों क्या होगा अपना, आंसर होगा। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन सेकंड हो गया। होपफुली आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन में हमें दिया गया है तीन एक्स प्लस चार, फिर दोस्तों ये किससे गुणा करना है, तीन एक्स माइनस पांच से यहाँ पे दोस्तों हमें गुणा करना है। गुणा करके इसका क्या करना है, हमें गुणनफल वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी कौन सी सर्व समीकरण लागू होगी, सर्व समीकरण लागू होगी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का, इन दोनों का गुणा होगा। तो दोस्तों मान क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा होता है एक्स से और ए गुणा बी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारा एक्स का मान कितना आएगा, पहले वाले दोनों क्वेश्चन में तो हमें जो एक्स का मान वो एक्स ही मिल रहा था। यहाँ पे दोस्तों एक्स की जगह कितना है, तीन एक्स है, तो यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, तीन एक्स हो जाएगा। ए की जगह चार है तो ए का मान चार हो जाएगा। बी की जगह दोस्तों कितना है, माइनस का पांच है, तो हमें चिन्ह सहित लेना है, तो यानी बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस पांच हो जाएगा। अब ये एक्स ए और बी का मान हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले एक्स का मान रखना है। एक्स की जगह तीन एक्स है तो यानी तीन एक्स की स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। ए की जगह हमें कितना रखना है दोस्तों, चार लिखना है तो हमने चार लिख दिया, प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। बी की जगह कितना लिखना है, माइनस पांच लिखना है, तो ये लीजिए दोस्तों आपका माइनस पांच हो गया। आगे किससे गुणा हो रहा है, एक्स से गुणा हो रहा है तो हमने एक्स लगा दिया, प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। ए की जगह में कितना रखना है, चार रखना है, ए का गुणा किससे होगा, बी से होगा, तो बी कितना है, माइनस पांच है। ये दोस्तों हमने इसके अंदर मान रख दिया, ए का मान रखा, बी का मान रखा और हमने एक्स का मान रखा। आगे इसको सोल्व करते हैं। जब तीन एक्स की स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नौ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर दोस्तों प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये माइनस का चार है, बाहर किसका है, प्लस का है, माइनस प्लस गुणा होते हैं माइनस होगा, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का पांच। ये माइनस का पांच, ये प्लस का चार, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का एक आएगा। गुणा क्या हो रहा है दोस्तों, एक्स हो रहा है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये तो क्या आपका माइनस का पांच है, ये प्लस का चार है, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आ जाएगा, चार का गुणा पांच होगा तो बीस आएगा। तो यानी ये मान कितना आ जाएगा, माइनस का बीस आ जाएगा।
अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 9x का तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का गुणा दोस्तों प्लस से होगा तो माइनस होगा, और एक का गुणा एक्स होगा तो एक्स आ जाएगा, और माइनस हमें बी से दिया गया। दोस्तों जो आपको यहाँ पे मान मिला है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 3x प्लस 4, 3x माइनस 5 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। दोस्तों हमें गुणनफल मिलेगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको सर्व समीकरण कौन सी यूज करिए बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर हमें दिया गया वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये मान दोनों अलग अलग होता तो ये अपनी ये सर्व समीकरण लागू हो जाती, लेकिन यहाँ पे हमें 3/2 और 3/2 मान है वो समान दिया गया। तो यहाँ पे जो अपनी सर्व समीकरण लागू होगी वो ये सर्व समीकरण लागू होगी एक्स प्लस ए और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हमें दिया जाए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि एक तरफ तो प्लस का सिंबल हो और एक तरफ माइनस का हो, यहाँ पे प्लस का सिंबल है यहाँ पे माइनस का सिंबल है, दोनों तरफ वैल्यू है वो समान है। तो दोस्तों जो अपनी सर्व समीकरण लागू होगी वो लागू होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कंपेरिजन करेंगे। तो एक्स की जगह में वैल्यू क्या दिख रही है, वाई स्क्वायर दिख रही है। ठीक है, वाई की जगह में वैल्यू कौन सी दिख रही है दोस्तों, वाई की जगह में वैल्यू दिख रही है 3/2। यहाँ पे दोस्तों सिंबल ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह वाई स्क्वायर रख देंगे, वाई की जगह 3/2 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं एक्स की जगह हम वाई स्क्वायर रखेंगे, तो यानी वाई की स्क्वायर की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, वाई की जगह हमें कितना रखना है 3/2 रखना है, तो 3/2 की स्क्वायर हो जाएगी। दोस्तों 2 की स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 4 हो जाएगा, तो यानी y की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर है वो गुणा होगी। ठीक है, माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे। आगे दोस्तों हमें दिया गया 3/2, 3/2 की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हमें दिया जाए वाई की स्क्वायर प्लस 3/2, फिर दोस्तों ये गुणा हो रहा है वाई की स्क्वायर माइनस 3/2 से, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y की पावर 4 माइनस 9/4। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमें दिया गया है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। दोस्तों यही फॉर्मूला लागू हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। दोस्तों इसमें क्या था, प्लस का पद था वो पहले था, माइनस का पद क्या था, बाद में था। इसमें फर्क इतना ही है कि माइनस का पद पहले आ गया, प्लस का पद बाद में आ गया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपनी इस सर्व समीकरण लागू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो एक्स की जगह में वैल्यू क्या दी गई है, एक्स की जगह में दी गई है 3, वाई की जगह में वैल्यू क्या दी गई है 2x दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे, मैं दोस्तों साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम मान रखेंगे x की जगह हमें कितना रखना है 3 रखना है, तो 3 की स्क्वायर, माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे, y की जगह दोस्तों हमें कितना रखना है 2x रखना है, तो यानी 2x की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर दोस्तों कितनी होती है 9 होती है, माइनस का सिंबल हम माइनस लगा देंगे, 2 की स्क्वायर का मीन्स 4, x स्क्वायर का मीन्स दोस्तों x स्क्वायर, तो यानी कि 9 माइनस 4x जो हमें मान प्राप्त हुआ है दोस्तों वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब हम 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x को दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल जो मिलेगा वो मिलेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके हम सेकंड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप नीचे कमेंट में यस जरूर लिखना, साथ ही साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।